ॐ नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। ज्योतिष, ज्योतिष की रिसर्च क्या है? वास्तव में ज्योतिष इतना अथाह है, समुद्र है, विशाल है, जिसको मापना अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी हम जो सूत्र हमको महर्षि पराशर द्वारा प्रदत्त हैं, वेद व्यास जी द्वारा जो ज्ञान हमको लिखित रूप में, मौखिक रूप में, प्रायोगिक रूप में दिया गया है, उसको थोड़ा सा प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। चलिए सीधी बात, हम सटीक बात उसी तरफ करते हैं। कुंडली पढ़ना, कुंडली पठन अर्थात फलित करना। कुंडली क्या 12 लग्नों से हमारा फलित कंप्लीट है, या 12 लग्नों के अलावा और भी कुछ है? पूरे काल पुरुष की कुंडली का विस्तृत वर्णन, उस कुंडली का नवमांस कुंडली से मिलान, चलित और भाव चलित की व्याख्या, चंद्र कुंडली से मिलान, सुदर्शन चक्र, सूर्य लग्न से मिलान, चंद्र लग्न से मिलान, गुरु लग्न से मिलान, और जिस भाव की व्याख्या करनी हो उस भाव को, उस भावेश को लग्न मानकर कुंडली की व्याख्या करें। साथ ही साथ 16 वर्गों में जो डिविजनल चार्ट है नवमास के अलावा, उनका भी मिलान करें। और फिर इतनी बातों के अलावा जो विशिष्ट बात है, पंचांग का जन्मफल, पंचांग अर्थात वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण का मिलान, अष्टक वर्ग के सूत्रों का फलित में प्रयोग, चाहे भावों में प्राप्तांकों को मिलाएं या ग्रहों को मिले हुए जो बल है, जो भाग्यांक हैं, गुण हैं, उनको मिलाएं, कितने फल वो देंगे। साथ ही साथ जैमिनी के चर कारकों का मिलान भी अगर हम करते हैं तो वास्तव में एक रिसर्च की स्टेज में हम पहुंचते हैं, एक स्थिति पर पहुंचते हैं, एक जगह पर पहुंचते हैं, और जो सारी चीज़ें हमारी कोरिलेट हो रही होती हैं, मिल रही होती हैं, वही और केवल वही रिसर्च है, तब हम भविष्य कथन में सटीकता से पहुंच पाते हैं। तो इन्हीं तथ्यों को, इन्हीं बातों को सोचकर, समझकर, प्रयोग कर हम जो रिसर्च की कक्षा लेंगे, रिसर्च की जो क्लास करेंगे, इन्हीं को विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे और बहुत से बातों का विचार हम करते ही जाएंगे। भाव भावेश कारक भी, योग भी, राजयोग भी, फलित के सूत्र भी, इन सभी का हम अपने रिसर्च की कार्य कक्षा में मिलान करेंगे।